क्या OTT प्लेटफॉर्म्स पर कस जाएगा शिकंजा? OTT प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कौन से नए कानून बनाए जाएंगे? सुनिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को। तो अब एक सुचारू व्यवस्था जल्दी घोषित होगी कि उनका संचालन कैसे हो, इसके बारे में भी गाइडलाइंस आएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को OTT प्लेटफॉर्म्स के संचालन को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं, उसका संज्ञान लिया गया है। सुनिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को। OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल्स के बारे में बहुत सारी शिकायतें सभी वर्गों से आई है, उसका संज्ञान लिया। OTT की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अखबार पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन, सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ज्ञान लिया है और जैसे आपको मालूम है अभी तक ये IT कानून के दायरे में था और है, लेकिन अब जो न्यूज कंटेंट का पार्ट है, OTT की फिल्में हो, OTT प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले कार्यक्रम हो या डिजिटल न्यूज़पेपर्स हो, ना उनको प्रेस काउंसिल का कानून लगता था, ना उनको केबल टेलीविजन का कानून लगता था, ना उनको प्रेस काउंसिल के बंधन में वो आते थे, ना सेंसर बोर्ड के बंधन में आते थे। देश भर में सिनेमा देखने वालों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। फरवरी से सारे सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। हालांकि दो शो के बीच थोड़ा वक्त दिया जाएगा जिससे सैनिटाइजेशन किया जा सके। सिनेमा हॉल की दुकानों से भी खरीदारी की जा सकेगी। जावड़ेकर ने किसान मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कल घोषणा की है वो काफी अहम है। PM मोदी ने शनिवार को कहा था कि सरकार अपने रुख पर कायम है और कृषि कानूनों पर चर्चा जारी रखना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी किसानों से बात करने की अपील की है। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो घोषणा की है वो बेहद अहम है, इतना ही आज मैं कहूंगा। जानकारी के मुताबिक ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, TMC के सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक राउत, SAD के बलविंदर सिंह भांडेर ने किसान आंदोलन पर बात की। JDU सांसद RCP सिंह ने कानूनों का समर्थन किया है। मीटिंग में PM मोदी ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को यह भी कहा कि वो लोग भी किसानों से इस पर बात करें। हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।